हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे। सीईटी का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवा रहा है और एनटीए अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेनिफिशियरी रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए विलोम, ऑप्शन नंबर बी लिंग, ऑप्शन नंबर सी वचन, ऑप्शन नंबर डी कारक। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन दो वर्णों में जो संधि होती है उनमें से पहला वर्ण हो और दूसरा चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उनकी संधि को ब्लैंक संधि कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यंजन। जिन दो वर्णों में जो संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और चाहे दूसरा स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसकी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र विचारों के ब्लैंक का सशक्त माध्यम है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, संपर्क बनाम रखने, ऑप्शन नंबर बी क्रमबद्ध होना, ऑप्शन नंबर सी आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आदान प्रदान। पत्र विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि ब्लैंक है। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रस्तुत पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना ब्लैंक कहलाता है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी पद परिचय, ऑप्शन नंबर सी सार्थक पद, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पद परिचय। वाक्य में प्रस्तुत पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना पद परिचय कहलाता है। नेक्स्ट है, कर्ता की पहचान ब्लैंक विभक्ति से होती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर सी ने, ऑप्शन नंबर डी के। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ने। कर्ता की पहचान ने विभक्ति से होती है। अगला है, विसर्ग का प्रयोग ब्लैंक शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए देसी, बी विदेशी, ऑप्शन नंबर सी तत्सम, ऑप्शन नंबर डी तद्भव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तत्सम। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें ब्लैंक कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामासिक युग्म नहीं है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए यथानियम का है अविभाव समास, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी का है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी पर्णकुटी का है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी विधा भंडारण का है तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
पर्णकुटी द्विंदु समास नहीं होता है। नेक्स्ट है, जिसका चिंतन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें। इसके लिए ऑप्शन है चिंतनीय, बी चिंतनशील, सी चिंतनते, या डी अचेतन। इसका ऑप्शन होगा अचिंत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद दिए गए हैं पत्तर प्लस आले, बी है अर्ध अंगिनी, सी है दीन अनाथ, डी है रेखा अंकित। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दीन अनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ता प्रत्यय नहीं है। ता प्रत्यय किस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सफलता, बी समानता, सी प्रीणिता, डी कर्मठता। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, कर्मठता में ता का प्रत्यय नहीं यूज होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए परलौकिक, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी चार दीवारी, ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक। नेक्स्ट है, एक थाली के चट्टे बट्टे होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए होगा संगठन में शक्ति होना, बी है सभी का एक सा होना, सी है सहयोग करना, डी है अनुभव की कमी होना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सभी का एक सा होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का मतलब होता है सभी का एक समान होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विधवा सदवा, ऑप्शन नंबर बी विजय पराजय, ऑप्शन नंबर सी बलवान शक्तिमान, डी सुदृढ़ अनगढ़। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा सी बलवान शक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सही शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए लुभावन दयालु, बी पराजय निवासी, सी आमरण आरक्षण, डी निर्भिमानी दुर्बलता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा निर्भिमानी दुर्बलता, राइट आंसर यही होगा डी। नेक्स्ट है, मेरे पास पांच पुस्तकें हैं, रेखांकित पांच का पद परिचय है। ऑप्शन दिए गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग, या बी अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, एक वचन स्त्रीलिंग, सी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण बहुवचन विशेष्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर डी है परिणामवाचक विशेषण बहुवचन विशेष्य पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण बहुवचन विशेष्य पुस्तकें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।